ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਰੇਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਫੋਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੌਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਗਾੜੀ ਕਾ ਜਬ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਆ ਆਪਸੇ, तो डीजल जब आया तो उनका ये हेडफोन लगे थे, ब्रिज पे आ रहा था, उसको आवाज़ें बहुत लगाई लेकिन वो बंदे ने आवाज़ नहीं सुनी और है पावर ने बहुत आवाज़ें लगाई, उसको दिखे नहीं ये वजह, हेडफोन की वजह से नहीं किया। नहीं, ये जानबूझ के खुदा क्या ऐसे नहीं, हेडफोन लगे सर, इधर भी आ रहे हेडफोन। ये सर उधर से इंजन आ रहा था, इस लड़के के कान में हेडफोन लगे थे, यहाँ पर मौजूद होती थी गेटमैन ने भी उसको बहुत आवाज़ें दी, चिल्लाया वो, पावर ने भी हॉर्न में हॉर्न मारी गया पर उसके कानों में हेडफोन लगने की वजह से उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया और वो उसकी चपेट में आ। और बंदे का कोई पहचान हुआ कितने पहचान बंदा? अभी तो नहीं हुआ, रेलवे पुलिस आ गई है और देखते हैं वो शिनाख्त करेगी तो पता लग जाएगा कहाँ से है कहाँ से। कारण कि सानू एक स्टेशन मास्टर को मेमो मिली सी, जो असं आ के तो लोगों को पूछगिछ की, लोगों ने दसिया भी मूहरों इधर तुरै जाता सी, मूहरों पावर आँदी सी, ये हेडफोन कन्ना लगे से इन्हें पावर की, तो आमो सामने टक्कर हुई है नेड़े ओवरब्रिज के। बंदे का कोई पहचान हुआ? कोई अजय पहचान होया नहीं, पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं।